बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है, उस बारे में बात करें। पहले यह खबर देखिए, 85 देशों में डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण मिला है और WHO ने इस बारे में चेतावनी जारी की है। डेल्टा अब तक का सबसे संक्रामक, सबसे ज्यादा इंफेक्शियस वेरिएंट है जो बहुत तेजी से फैलता है। WHO के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में भी डेल्टा वेरिएंट के केस में इजाफा हुआ है और आज से सिडनी में 2 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना का और इस धरती का पुराना रिश्ता है। धरती पर 20,000 साल पहले भी कोरोना था, कोरोना बरपा चुका है कहर। और ये कहा किसने है? ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स का दावा है ये। देश में कोरोना की तीसरी लहर किसी भी वक्त आ सकती है, किसी भी वक्त दस्तक दे सकती है, इसके संकेत हर तरफ से अब मिल रहे हैं। दूसरी लहर ने कितना कहर बरपाया देश पर, ये हम सब देख रहे हैं। इनकी परेशानी बढ़ाने वाली बहुत बड़ी खबर है ये। चीन द्वारा अमेरिकी सेंटर से डिलीट डेटा रिकवर कर लिया गया है। देखिए, ये चीन की परेशानी बढ़ा सकता है। वैसे जो बाइडेन इतने ज्यादा सख्त हैं आजकल चीन पर, चीन के इशारों पर चलने वाला देश पाकिस्तान कैसे तबाह हो गया ये समझिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। इमरान के पास खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं है और एक बार फिर पाकिस्तान ने चीन के सामने झोली फैलाई है। 1 महीने में पाकिस्तान ने चीन से $100 करोड़ का कर्ज लिया है।